अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग। और आज खुशी इस बात की है कि यार हमारे ये जो लॉकडाउन के दिन हैं काफ़ी ज़्यादा बहुत सारे लोगों के टेंशन भरे गुजर रहे हैं, मेरे भी गुजरे हैं। लेकिन यार एक बात मैंने आज नोटिस किया है, नोटिस किया, प्रूव मिला है कि यार ये जो लॉकडाउन है ना हमें बहुत ज़्यादा क्रिएटिव, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बना रहा है। मतलब हमारे पास करने को कुछ नहीं होता तो हम डिफरेंट चीज़ें कर रहे होते हैं, थोड़ा बहुत क्रिएटिव। मतलब अब मेरे पास डेली व्लॉग करने के लिए कोई कंटेंट नहीं होता, मैं सोच रहा होता हूँ कि मैंने ये करना है, मैंने ये करना है, और किसी ना किसी तरह से क्रिएटिविटी जो है ना डेली करने को मिल जाती है। या फिर आज मेरे साथ एक और वाक्य हो वो ये कि यार मुझे ना वैक्टर आर्ट बड़ी अच्छी लगती है, तो मेरे माइंड में ना ख्याल आया कि यार ऐसा हो सकता है क्या वैक्टर आर्ट मोबाइल से मैं कर लूँ, और मतलब मैं भी कर सकता हूँ मोबाइल से कर लूँ, कोई ना कोई तो जुगाड़ होगा। तो बस फिर हमने एक मोबाइल उठाया, यूट्यूब खोला, यूट्यूब खोलने के बाद हमें बहुत सारे जुगाड़ मिले। और फिर मैंने किसी फेसबुक से एक दोस्त की पिक्चर मंगवाई और एक इंस्टाग्राम पे ब्लॉगर हैं उनकी पिक्चर उठाई, तो उनकी पिक्चर उठाने के बाद हमने ट्राई किया। हमने ये ट्राई करने के बाद देखा तो वो तो कुछ अच्छा हमसे निकल गया, मतलब अच्छा बन गया हमसे, तो परेशानी की बात है वैसे, खुशी की बात भी है। तो खैर जी, फिर हमने व्हाट्सएप स्टेटस लगाया, व्हाट्सएप स्टेटस लगाने के बाद दो चार हमारे प्यारे दोस्त हैं उन्होंने कहा, तो हमने मना नहीं किया, हमने उनकी भी पिक्चर्स बना के भेज दी। तो भैया बताने का मकसद ये कि चक्कर सही चला पड़ा है, तो मेरे ख्याल से लॉकडाउन बहुत क्रिएटिव बना रहा है हमें। इसी तरह से सारों को चाहिए कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते रहें, मैं तो बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ और बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी वाली चीज़ों को कर रहा हूँ। तो मज़ीद ये है कि यार अभी मैं आपसे ये पिक्चर शेयर करता हूँ जो मैंने आज पहली दफ़ा ज़िंदगी में वैक्टर आर्ट किया, और वो सारी चीज़ें जो बनाई हैं वो आपको दिखाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह एक स्किल थोड़ी सी और इम्प्रूव हुई, मतलब आई हम में, तो इसको भी आगे इंशाल्लाह लेकर चलेंगे। तो बाकी है कि मेरी आंखें बता रही होंगी क्योंकि मैं सुबह से इसको इन चीज़ों को, मैं मतलब जांच चल रही थी कि यार कैसे हो सकता, किस तरह से हो सकता, कैसे हो रहा था, मेरा इन चीज़ों में गुस्सा हुआ था, मोबाइल में ही गुस्सा हुआ था। सो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का ये सारा व्लॉग पसंद आया होगा, हमारी एक जो स्किल बढ़ी है वो पसंद आई होगी। तो मैं, अगर आप सब जानना चाहते हैं कि ये किस ऐप के ज़रिए से हो सकता है और किस तरह से हो सकता है, तो कमेंट्स में आएं, और जानना है तो थोड़ा अप्रिशिएट करें और बताएं, अपने होने का सबूत देना, ऐसे तो नहीं बताया जाएगा बिल्कुल फ्री में। तो आम आदमी वगैरह कभी कुछ ना बताएं, आम आदमी वगैरह कोई स्किल ना दे फ्री में, ऐसे कैसे, मेहनत है भाई मेहनत। तो थोड़ा कमेंट शमेंट करें, इसको शेयर करें वीडियो को, इंशाल्लाह अगर आपने जानना है तो भाई आपको लाजमी बताएगा इंशाल्लाह ताला। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, इंशाल्लाह मिलते हैं जी अगले व्लॉग में।